इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से, जहां सिवान में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 4 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ये 4 लोग जो हैं, एक दरौली प्रखंड के हैं, एक हसनपुरा के मंदरा पाली के हैं, जबकि 2 लोग बढ़िया के हैं। बताया जाता कि ये चारों लोग बाहर से आए थे, विदेश से आए थे। एक व्यक्ति जो दरौली का निवासी है वो अबू धाबी से आया था, बढ़िया का एक निवासी मस्कट से आया था, जबकि बढ़िया का ही दूसरा निवासी शारजहां से आया था, और चौथा जो हसनपुरा के मंदरा पाली से, जो जिस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो बहरीन से आया था। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर, सिवान से कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक पहले ही अंगोता से कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 4 नए मामले सामने आए हैं। 4 नए मामले सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। सिवान जिलाधिकारी और तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक चल रही है। आसपास के जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनके गांव के आसपास के गांव को अब सील करने की तैयारी चल रही है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति दरौली प्रखंड का निवासी बताया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति मंदरा पाली हसनपुरा का बताया जा रहा है, और 2 व्यक्ति बढ़िया के हैं। आपको फिर से बता दें, जो व्यक्ति दरौली का है वो अबू धाबी से मुंबई आया था, उसके बाद सिवान आया। जो बढ़िया का एक व्यक्ति है वो मस्कट से मुंबई आया, फिर सिवान आया। बढ़िया के एक अन्य मरीज जिसमें कोरोना के पॉजिटिव पाया गया है वो शारजहां से दिल्ली आया, और दिल्ली के बाद सिवान आया। और चौथा जो हसनपुरा के मंदरा पाली का निवासी है वो बहरीन से दिल्ली आया, दिल्ली के बाद सिवान आया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ये सभी जो चारों में पॉजिटिव पाए गए हैं ये 22 मार्च को विदेश से सिवान आए हैं, जिसके बाद इन्हें पटना जांच के लिए भेजा गया था, वहां कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो आपको बड़ी खबर बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर बता रहे हैं, 4 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सिवान में आए हैं, यानी कि कुल अब 5 पॉजिटिव मामले सिवान में हो गए, जिससे लोगों में हड़कंप